किया मैंने भाई, मैं कह रहा हूँ गुजरात 30 जात को बंगाल में 118 जातियां मुसलमानों की जिनको आरक्षण दिया गया, एनसीबीसी ने उस पर आपत्ति जताई। तो ये झूठ बोलना बंद करें। गुजरात में कोई मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नहीं किया था, प्लीज। शाहजाद और मुस्लिम में जातियां क्या होती है? मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शहजाद शहजाद मुसलमानों में जाति होती तो बताइए ईरान में कौन सी जाति? माइनॉरिटी अफेयर्स झूठ बोल रही है सर। सर मुझे एक मिनट माइनॉरिटी कमीशन के, अगर आई एम नॉट प्लीज, मुसलमानों में सीरिया में लीबिया में ईरान में इराक में मुझे बताइए जातियां कहां हैं? पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती है? अरे बोलने देंगे, एक मिनट रुकिए, इन दोनों के बीच में सर, सिर्फ दोनों, सिर्फ रत्नाकर इस समय स्क्रीन पर, सिर्फ रत्नाकर और पुष्पेंद्र जी। मुसलमानों में आपने कहा जातियां? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं पुष्पेंद्र, मुसलमान रुक जाइए ना आप, अब इन दोनों की क्या करती है? नहीं करती, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आपने कहा मुसलमान इस्लाम में, बोलने तो मैं बोलूं, आपने गलत बोला, बोले बोले अच्छा मैं एक मिनट, आप बोले रत्नाकर जी, उसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती, आपने पूछा मुझसे इस्लाम में, आपने मेरी तरफ इशारा किया, कन्विंस हो जाती है, मैं बता रहा हूँ आप कन्विंस गलत है। आप बोलिए, इस्लाम में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है, बोलिए आप, पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं, इस्लाम में सिर्फ दो ही फिरके हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है, उसके अलावा बाकी सारे जो आपको नजर आते हैं ये ड्रामा हिंदुस्तान में है, यहाँ पसमांदा है, यहाँ अंसारी है, यहाँ शेख है, यहाँ कुरैशी है, जो कन्वर्ट अपर क्लास से हुए वो कुरैशी सैयद हो गए, जो नीचे के हुए वो अंसारी हो गए, तो उसमें जाति नहीं है, इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम की थ्योरी के खिलाफ। बोलने तो मुझे रत्नाकर जी, मैं आपको अब मेरी बात, आप ही बोलेंगे, नहीं नहीं एक ही बात बोलेंगे, यू आर इंसल्टिंग इस्लाम। अगर आपको इस्लाम से प्यार है कि ये कहते हैं कि मुसलमान, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, तो आप दोनों भड़क रहे हैं, आप दोनों भड़क पड़े इनको, ठीक है, इतना मुश्किल है, एक मिनट, टू वर्सेस वन, शहजाद पूना वाला है, थ्राइस सेड मुसलमान, मुझे बोलने दीजिए, मुसलमान मिलना मुश्किल है, मेरे जैसे पसमांदा मुसलमान को होता तो आपको खड़ा कर देता, बोलिए, इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हैं, मुसलमान होने का क्या बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए ना, आप इनको बोलिए, एक मुसलमान होने के नाते सख्त आपत्ति करता हूं कि उन्होंने कहा इस्लाम में जातियां, इस्लाम यह मानता है कि पूरे मुसलमान एक कौम है, एक थाली में खाना खाते हैं, तो इसीलिए क्लास वर्गीफिकेशन होना यह अलग बात है, मुस्लिमों में जाति है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए, मुस्लिम समाज का अपमान किया है इन्होंने, पूरी दुनिया में इस्लाम का अपमान किया। एक ओमकारेश्वर जी को भी डिबेट, एक मिनट मैं एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या जरूरत थी इंडी गठबंधन की मुस्लिम कोटा पे इस तरह से अड़ जाने की? आप मुझे बोलने आप अगर कहेंगे कि ये मामला हमने लिखा नहीं है मैनिफेस्टो में, इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया, देखिए सुनिए, पहले खंडन कर क्लेरिफाई करने जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का गजट है थ्रू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा इन अदर बैकवर्ड कास्ट, आप क्लास कास्ट का वर्गीकरण करते रहिए, मैं आपको बता, आपके ही चैनल पे तीन बार अब ये क्लास क्यों कह रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मगर मेरी बात, एक मिनट शहजाद जी मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं सुन रहा हूँ क्योंकि आप पांच अपने डिबेट अभी पीछे की करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने दो बार भाव विभोर होकर कहा है मेरे जैसे पसमांदा मुसलमान को मोदी क्लास है, चूंकि अब ये फंसे हैं इसलिए कास्ट की जगह क्लास बोल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, भाजपा कभी भी सरकारी संविधान नहीं मानती है, तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम, मैं आपको नहीं प्रॉब्लम, आप नहीं मानते, आपको अगर एक मिनट संविधान पर बात की, आप संविधान को नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अगर प्रेस इंफॉर्मेशन बजट निकाला है तो क्या आप किसने गलत किया है? गवर्नमेंट ने किया कि मैंने, टक्कर हो जाए भाई, आजकल बड़ी लोग दे रहे हैं, कुछ लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि संविधान का जो प्रियम्बल होता है, 50-50 जो अक्षुण होता है, जो वर्जिन होता है, आपने रात के अंधेरे में
सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द भारत के प्रीएम्बल में बदला कि नहीं बदला? 10 साल आप थे, निकाल देते हैं अब, ये अलग बात है। आई एम नॉट इन द पार्टी, आप क्यों नहीं रहा? आई एम नॉट इन द पार्टी। आप दिन के उजाले, अरे आप पूरी तरह पार्टी है। आपको लगता होगा कि इधर आप पूरी तरह पार्टी है, मैंने पार्टी की बात ही नहीं की। आप बात वही करते हैं, खाल दूसरी ओढ़े रखते हैं। आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपकी सुन तो लीजिए ना, आप तो रोज डिबेट में आते हैं। मैं तो आज खासतौर से इसलिए आया हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, तो मुबारकबाद। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर भारत के संविधान को सबसे ज्यादा कांग्रेस अपने गरेबान में, जहां 125 बार आपने संविधान को बदला है, प्रीएम्बल को सत्ता में हम थे तो हम ही ना बदलेंगे, तो फिर आप दूसरा, अच्छा जो अभी सत्ता में हैं, तो मुझे तो आप आरोप लगा, आप नहीं, तो मुझे तो डरी है ना रत्नाकर जी, इधर देखिए, एक मिनट रत्नाकर जी, क्या जरूरत है? और देखिए, मैं कभी ना किसी के शब्द को इधर उधर तोड़ मोड़ के बात नहीं करती। सच्चाई ये है ओमकारेश्वर जी, कि मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि मुसलमानों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जब जन जज बनाया जाए। तो मुझे लगा कि कैसी बात है, भारत में विकसित भारत की बात हो रही है और ये कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान को हिंदू से ज्यादा चांस मिलनी चाहिए जज बनने में। क्या बात है? और दूसरी बात, आप मुसलमान वाला आप दूसरी नहीं देखिए, आई एम नॉट मिसगाइडिंग। तीसरी बात आप कह रहे हैं मुस्लिम, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं तीन तलाक वापस लाएंगे, आप कह रहे हैं तीन तलाक वापस लाएंगे, आप कह रहे 370 आप वापस लाएंगे, यानी कि नहीं, मैं माइनॉरिटी की बात, देशहित की बात है, 370 माइनॉरिटी की बात हो गई, तीन तलाक की बात माइनॉरिटी की बात हो गई। रत्नाकर जी, आप अपने आप खुलकर आप मुझे क्लेरिफाई कीजिए, तीन तलाक की बात माइनॉरिटी की बात हो गई? आप उन औरतों को पूछिए, माइनॉरिटी की बात है कि जेंडर राइट्स की बात है? आप महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का शोषण हो रहा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पे उसका समर्थन कर रहे हैं? यही तो, एक मिनट, अरे सर आप सुनिए, 370 वापस लाएंगे, तीन तलाक को वापस लाएंगे, मुस्लिम कोटा लाएंगे, और कोई जज बनेगा तो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को चांस दिया जाएगा। आप मुझे, ये सारे आपके स्टेटेड पोजीशंस हैं। अब कोई इसको नहीं, मैं मिसगाइड नहीं, मैं फोकस कर रहा हूँ। ओमकारेश्वर जी आप भी जानते हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज के मुसलमान नहीं चाहते कि 370 हटे। आप बीजेपी के, आज के मुसलमान नहीं चाहते कि तीन तलाक हटे। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं खुलासा कर रहा हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ। और सुनिए, मैं क्यों ना बोलूं? आप मुझे बताइए, आज देखिए, ये बेईमानी की बात नहीं है, ये बेईमानी की बात नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव कभी हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होना चाहिए। मगर सवाल मैं पूछ रहा हूं, पूछता है भारत कि किसने हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाई? उन लोगों ने जिन्होंने कहा 370। अरे मुस्लिम कोटा की बात किसने की? मोदी ने की? मुस्लिम कोटा की बात किसने की? आप मुस्लिम कोटा के खिलाफ इंडिकेशन किसने दी? आप बताइए, रेटोरिक्स में जा रहे हैं। रेटोरिक क्या? मैं तो ओपन, रत्नाकर जी मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने तो गजट बता दिया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत बोल रहे हैं, बोलिए है।